नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो हेल्पर के एडमिट कार्ड स्वाइच के हैं, अब जिन बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना नहीं आता या फिर जिनको आता है उनके लिए, सबके लिए है ये वीडियो। तो ये देखिए, ऑफिशियल टेस्ट लिंक भी दिया है इन्होंने, सेम तरीका है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जैसा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक्सेप्ट करके एग्रीमेंट को आपको बीच वाले में क्लिक करना है, ऑनलाइन सैम्पल टेस्ट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग ही है। अब तक आपने जितने भी टेस्ट दिए उनसे थोड़ा सा अलग ही टेस्ट है, ठीक है। यहाँ रैंडमली कुछ भी डाल दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी, और डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी डाल दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है आप अपनी ही डालें। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई इसका टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ आपकी डिटेल्स मिलेंगे आपको, टाइम वगैरह कहाँ होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग है, नीचे दे रखा है ऑप्शंस को अलग, एक सीधी पट्टी में दिया है, ज़्यादा चेंज नहीं है, बाकी हल्का सा चेंजेस है, ठीक है। तो ये देखिए, लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंग्लिश के लिए दिखा रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो उनके लिए, बाकी आगे से हिंदी कर दूँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये द गेट वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट, ये होगा मुंबई, ठीक है। तो डी करके सेवेज नेक्स्ट करना है, ये सेवेज नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आपने कोई आंसर दिया है और आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे मार्क पे क्लिक करके चले गए तो वो सेव नहीं होगा, आपको सेवेज नेक्स्ट करके ही आगे जाना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने ऑप्शन को आंसर लगा के सेवेज नेक्स्ट करना है, ठीक है। जिस भी ऑप्शन को आपको लॉक करना है उस पर मार्क लगाइएगा और सेवेज नेक्स्ट कीजिएगा। साइड में जो ये क्वेश्चन नंबर्स आ रहे हैं इन पे क्लिक करके आगे बढ़ गए तो वो क्वेश्चन सेव नहीं होगा, ठीक है। और ये देखिए जो ग्रीन हो रहे हैं वही उन्हीं के हमने आंसर्स दिए हैं, ठीक है। ऊपर लिखा भी आ रहा है 4 questions answered, 16 not answered, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं अपना, ठीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, लॉक तब होगा तब टाइम कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम का, पूरा टाइम खत्म होते ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जिट करना होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से दिखेंगे आपको अपने अटैम्प्ट के क्वेश्चंस, और ये मार्क फॉर रिव्यू, यानी आप किसी क्वेश्चन को बाद में करना चाहते हैं तो मार्क करके छोड़ सकते हैं, ऊपर दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो बने रहिए आंसर की एजुकेशन के साथ, लेटर जॉब अलर्ट्स की अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।